रावी जो अक्सर जो है वो चैन से बांसुरी बजाता है, आज काफी तिल मिलाया हुआ नजर आया। मैंने हसन अयूब का एक वीडियो क्लिप देखा जिसमें वो क्लेम करता है कि अगर मुझे पीएमएलएन वाले जो है वो 5 से 6 करोड़ रुपया महाना दें तो मैं पीटीआई के सोशल मीडिया को बीट करके दिखा सकता हूँ। मरियम नवाज शरीफ साहिबा और नवाज शरीफ साहब समेत आई एम श्योर आप लोगों को पैसा देके काम करवाने की बड़ी आदत है, लेकिन अब नून लीग के भी उन तमाम लोगों के लिए एक एग्जांपल है जो फ्री में गालियां खाते रहे हैं माजी में और जो खा रहे हैं अभी भी माजी में, कि नून लीग की खातिर कोई भी फ्री में काम करने के लिए कभी भी तैयार नहीं होता। तो जो भी काम करता है पीएमएलएन के लिए वो जो पैसों के साथ काम करते हैं फायदे में वही रहते हैं। और दूसरी बात कि रावी साहब आप कह रहे हैं कि आप 5-6 करोड़ लेके जो है वो पीटीआई का सोशल मीडिया बीट करेंगे, तो वो हमारा एक बेचारा वो है एक लड़का जो पीटीआई का था पहले, फिर वो जो यार क्या नाम है जहांगीर तरीन का जो लड़का है फरहान विरक, वो भी आजकल सुना है कि किसी एक इदारे से 5 से 6 लाख रुपया महीना ले रहा है लेकिन वो कर कुछ नहीं पा रहा। तो आप तमाम लोगों के लिए एक बहुत ही छोटी सी रेमेडी बताती हूँ कि किसी भी जमात को पैसे देके सोशल मीडिया पे कंपेन करवाने की जरूरत तब महसूस होती है जब ऑर्गेनिक जो फॉलोअर होता है वो लैक कर रहा हो, जब उनको ऑर्गेनिक सपोर्ट हासिल ना हो। वरना तो जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ऊपर मुश्किल वक्त मीडिया के वॉलंटियर्स थे जो पीएमएलएन को सपोर्ट किया करते थे तब उन्होंने बड़ी दमदार तरीके से जो है टफ टाइम दिए रखा बड़े बड़े लोगों को। तो ये सच साबित हो गया कि पीएमएलएन के साथ जो है लोग फ्री में काम नहीं करते हैं, वो बेवकूफ तरीन लोग होते हैं जो फ्री में ऐसे ही लोगों की खातिर गालियां खाते हैं और फ्री में खुद से बेवकूफ लोग जो होते हैं वो अपना टाइम अपना मनी वेस्ट करते हैं और इन लोगों को डिफेंड करते रहे हैं। तो तमाम के तमाम लोग रावी उर्फ हसन अयूब की के 5 से 6 करोड़ रुपया महीना मिले तो वो इन लोगों को डिफेंड कर सकते हैं पीएमएलएन वालों को। कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ऊपर जब उनके वालिद के ऊपर मुश्किल वक्त था उनकी पार्टी के ऊपर मुश्किल वक्त था तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा को उनकी पार्टी ने उस तरह सपोर्ट नहीं किया था, उनके वॉलंटियर्स ने सपोर्ट किया था जो अनपेड सोशल मीडिया था, जो बेवकूफ लोग थे सोशल मीडिया के बेवकूफ जो मरियम नवाज को अडोर करते थे, बेवकूफ लोग जो समझते थे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो नजरिए की जंग लड़ रहे हैं, बेवकूफ लोग थे जो समझते थे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ असल जमहूरियत के लिए लड़ रहे हैं, बेवकूफ तरीन लोग थे जिन्होंने अपना दिन रात जो है अपना चैन बर्बाद किया, बेवकूफ लोगों ने मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब के लिए तन तनहा जंगे लड़ी सोशल मीडिया पे। तो बेवकूफ लोगों के लिए आज भी एक 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 मैसेज है कि रावी हसन अयूब की तरह के लोग हमेशा बेनिफिट उठाते हैं और वही फायदे में रहते हैं जो 5 से 6 करोड़ रुपया महाना की डिमांड करते हैं। फरहान विरक जैसे लोग जो 5 से 6 लाख रुपया महीने का लेते हैं और वही फायदे में रहते हैं, वरना तो बेवकूफ जो लोग होते हैं ना वो सिर्फ एवं मुफ्त में कभी पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं बेवकूफ लोग, कभी पाकिस्तान की फौज के लिए लड़ रहे हैं बेवकूफ लोग, कभी डेमोक्रेसी के नाम के ऊपर इमरान खान के लिए लड़ रहे हैं बेवकूफ लोग, कभी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी बेटी के लिए लड़ रहे हैं बेवकूफ लोग। तो बेवकूफ जो लोग होते हैं ना ऐसे बेवकूफ लोग वह हमेशा नुकसान में रहते हैं। और जो हसन अयूब समेत जो हमारे दूसरे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं सहाफ़ी हैं जो हमेशा लिफाफे की डिमांड करते हैं जिनके वो शर्म नाम की कोई चीज नहीं होती, आज मुझे वो बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल लगती है। वो क्या कहते हैं ना जिसने की शर्म उसके एक फूटे करम। तो ये सियासतदानों को डिफेंड ना मुफ्त में नहीं करना चाहिए। वैसे तो क्या कहें जी भाई भी तो उन्हीं को नवाजते हैं ना जी पैसों के साथ और हमारे जैसे बेवकूफ लोग फिर भी पाकिस्तान और पाक फौज कहते रहते हैं खैर है कोई बात नहीं देखते जाते हैं। मजा तो तब आता है जब ये बेवकूफ लोगों को जब बना के बिठाया जाता है और वो मिजरेबली फेल होते हैं। नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी के पास सिर्फ एक मरियम नवाज शरीफ साहिबा थी जिन्होंने अपने वालिद की ही नहीं अपनी पार्टी के लिए भी भरपूर तरीके से जंग लड़ी, लेकिन उनके पीछे पूरी एक पार्टी थी पूरा एक निजाम था पूरा एक सिस्टम था
लेकिन उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ जंग लड़ी थी और उन्होंने वो जंग जीती। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब के पास तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा जैसी लाखों बहनें, बेटियां और माएँ हैं। तो अगर नून लीग एक मरियम के साथ जंग जीत सकती हैं, तो इमरान खान साहब के पास तो फिर लाखों मरियम नवाज शरीफ साहिबाएं हैं। तो ये टफ मुकाबला होने वाला है। तहरीके इंसाफ के लोगों को बड़ी अच्छी तरह से मामू बनाया जा रहा है। उनको बहुत जल्द पता चलेगा कि जिन सहाफियों को वो अभी भगवान समझकर उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी आरती उतारते हैं, वेरी सून बहुत जल्द आप लोगों को पता चलेगा कि वो अपना नजरिया टिल्ट करेंगे, क्योंकि उन्हीं के ऊपर इन्वेस्टमेंट होगी, उन्हीं को पैसा दिया जाएगा, उन्हीं के दाम लगाए जाएंगे कि जो वही आप लोगों को मैनिपुलेट कर सकें। और वैसे भी पीटीआई के जो लोग हैं वो काफी डिवाइड हो चुके हुए हैं, छोटे छोटे धड़ों में बट चुके हुए हैं। किसी का एक लाडला है, उसने अपनी छोटी छोटी टीमें बना ली हुई हैं। किसी वकील का वो फलाना लाडला है, तो उसने अपनी छोटी छोटी टीमें बना ली हुई हैं। दे नॉट यूनाइटेड एट ऑल। और छोटे छोटे भगवान जो आप लोगों ने सहाफी बनाए थे, वही अब आपको आके जब भाषण देंगे तो डेफिनेटली वो मैनिपुलेट करेंगे। डेफिनेटली जो कच्चे जहनों के लोग हैं उनका जहन साइजी भी करने में आसानी होगी उनको। तो आने वाले दिनों में पीटीआई के अंदर से लोग आप लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए सामने आएंगे, जिसमें सहाफियों यूट्यूबर्स की बहुत बड़ी तादाद शामिल होगी। तो इसलिए गेट रेडी, आप लोग बड़ी मजेदार सी स्टोरियां जो है वो पायल अप हो रही हैं। सारी स्टोरियां एक ही दफा में बता दी तो मजा नहीं आएगा। तो जागते रहना, ते एक दूजे ते ना रहना। पाकिस्तान जिंदाबाद।